चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ, मैं हूँ रूहानी। मेरे पीछे एक बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ये यहाँ की तस्वीर बयां करता है कि ये एक फ्लाईओवर है, उसके नीचे एक बोर्ड लगाया गया कि अंदर आना सख्त मना है, जुर्माना जो है 500 रुपये। और बोर्ड लगाया किसने है? जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। काफ़ी सालों के अंतराल के बाद चुनाव होते हैं, लोगों को उम्मीदवार मिलते हैं, हालांकि हाउस में जिस तरह से आप देखते हैं कि बहस होती है उसके बाद स्थगित कर दिया जाता है, वो आप सबके सामने है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, 500 रुपये जुर्माने की बात है, लेकिन ये लोग जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद इस तरह से इस पुल के नीचे रहते हैं। और पुल की अगर हालत दिखाऊँ तो आप देख लीजिए, अभी भी यहाँ पर पानी आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये जो बच्चे हैं इनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, आप देख सकते हैं। ठंड का मौसम है और छोटे से बच्चे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। इनसे पूछूंगी, क्या नाम है आपका? नहीं बोलोगे? क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं बोलोगे? चप्पल क्यों नहीं पहनी? चप्पल कहाँ है? चप्पल 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 कहाँ है? तो इन्होंने चप्पल नहीं पहनी है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कुछ महिलाएं हैं, यहाँ पर खाना बना रही हैं, बर्तन आपके सामने हैं, खाना बना रही हैं। बारिश आप जानते हैं काफ़ी तेज़ हो रही है, लेकिन सुबह से बारिश रुकी नहीं है, यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या काम करते हैं, कि यहाँ पर कुछ रहने के प्रबंध है या नहीं है। क्या बना रहे हैं आप? खाना बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर लोग हैं, और इनसे जाने की कोशिश करेंगे क्या कार्य करते हैं, क्या काम करते हैं। बच्चों के साथ ये लोग आए हैं, और ये लोग जो है कहाँ सोते हैं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, खाना बन रहा है, लेकिन क्या ये आपको एक घर नज़र आ रहा है? ये तो एक फ्लाईओवर के नीचे का दृश्य है। इनसे जी क्या नाम है? मेरा नाम नारानी है। नारानी जी क्या काम करती है? क्या बैलून बेचती है? बैलून बेचती है? हाँ बैलून बेचती है। पेट भर जाता है, पालन पोषण हो जाता है बच्चों का? नहीं होता है दीदी, नहीं होता है। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? पांच बच्चे हैं। पांच बच्चे हैं मेरे पास। तो अभी अगर मैं कहूँ तो रात को सोती कहाँ पर? यहाँ पे। ठंड नहीं लगती? बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है। कहीं बिस्तर नहीं है, और मेरे पास के ओढ़ने का नहीं है। मोदी कुछ भी नहीं दिया है, मेरे खाने पीने को मोदी कुछ भी नहीं दिया। जब रास्ते जम्मू में मांग खाने को आते है, कहाँ से आए? मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर बार भी नहीं है। जब राजस्थान से या जम्मू में आते है, काम क्या करती है? बैलून बेचती है। परिवार में कौन कौन? ये सारी परिवार है, पूरा परिवार आपका है। तो यहाँ पर ये जो छोटे बच्चे हैं, चप्पल क्यों नहीं पहनी है? कोई देता भी नहीं तो फेरता भी नहीं, कोई देता भी नहीं तो फेर। हमारे छोटे बच्चे, हम बहुत गरीब है, और हमारे राजस्थान में जैसे कि बहुत गर्मी पड़ती है, इसकी वजह से हम बाहर निकल जाते हैं और पीने के लिए कुछ नहीं, जैसे कि राशन है। यहाँ के आदमी और यहाँ की पुलिस प्रशासन भी, मैं उसको सैल्यूट करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी है, गरीब को खाना देती है टाइम पे, कम से कम 100-200 रुपये हमको दिन का मिल जाता है, कमा लेते। लेकिन रात को यहाँ पर रुकते हैं? मैम रात को हम यहाँ पे रुकते हैं, पुलिस वाला आते हैं और हमको कुछ ना कुछ बोलते हैं कि यहाँ से चला जाओ, कुछ ना कुछ। अच्छा, यहाँ पर ना कोई रैन बसेरे की बात हुई थी कुछ देर पहले, रैन बसेरे के बारे में जानते हो? हाँ, यहाँ पे कुछ दो तीन आदमी आए थे, उसने हमारा एड्रेस सारे लिए थे, उसने बोला कि तुम हॉलीडे के पहले चला जाओ वरना कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ बोल रहे थे मैम। इसकी वजह से हम हमारा पूरे परिवार बाहर कमाई करने। कितने लोग हैं यहाँ पर और बच्चे कितने हैं यहाँ पर? बच्चे, अगर मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगी, छोटे बच्चे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, जिस्म पर स्वेटर नहीं है, ठंड का मौसम है। अभी आप सोचेंगे आप सबने जैकेट्स पहनी होंगी, आप बोल रहे होंगे कि बाहर कैसे निकले, ठंड बहुत है, लेकिन ये देखिए खाली शर्ट पहनी है, स्वेटर तक नहीं है, छोटे बच्चे हैं और पैरों में चप्पल नहीं है, सॉक्स नहीं है, ये क्या हालत हो रही है? अच्छा, यहाँ पर आप मेरे को बताइए कि ठंड काफी बढ़ रही है, रात को यही सो? हाँ, यहाँ पे सोते हैं। रात को यहीं पे सोते हैं, और इतनी कंबल भी नहीं है, ठंड तो बहुत पड़ती है। ऐसे इतने कमा लेते हो कि परिवार चला सको?
हाँ मैम, इतना 100-200 रुपये का गुजारा हो जाता है, लेकिन घर में कुछ आमदनी नहीं रख पाते, क्योंकि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इनको चप्पल चाहिए, पहनने चाहिए, खाना चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर आए हैं। 100-200 रुपये कमा लेते जिससे हमारा परिवार का गुजारा हो जाता है। रैन बसेरे के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो कभी ना कभी कोई ना कोई उम्मीद जागी होगी कि हम वो कमरों में रहे, अब 100-200 बिलियन का रुपया पड़ता है, इसका बच्चा बच्चे को खाना लेके खिलाता है, बहुत भूखा रहता है बच्चा इसको। अगर रहने के लिए कोई आपको यहाँ पर छत मिल जाती तो वहाँ पर आप चले जाते इस तरह से पुल के नीचे? हाँ सही कह रही दीदी। कोई आया था आपसे पूछने के लिए रहने से? नहीं आया। यहाँ पर कहा जा रहा है 500 रुपया जुर्माना लगाते हैं जो यहाँ पर रुकते हैं, बोर्ड है वहाँ पर, सही किया। तो कोई आपको मना करने के लिए आता है? हाँ, पुलिस प्रशासन के मना करने के लिए आई थी। उसके बाद जब मना करता है कोई तो आपको ये नहीं कहा जाता कि हमारे साथ चले, हम आपको एक अच्छे, हम 2 दिन से यहाँ पे हम चले जाते हैं राजस्थान, अभी नहीं रह गए। पुलिस प्रशासन हमको ऐसे कभी नहीं बोली कि तुम हमारे कुछ धर्मशाला में चले जाओ सोने के लिए, वहाँ पे जगह। साफ तौर पर रैन बसेरे की बात की जा रही थी और समय समय पर इन्हीं लोगों के लिए रैन बसेरा बनाया जाना था, क्योंकि ये गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, छोटे बच्चे हैं, ठंड का मौसम है। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर सवालों के घेरे में आता है और दूसरी तरफ मौसम इस तरह से करवट ले रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि गर्मी थी, लेकिन अब आपने देखा कि ठंडक जो है वो हो रही है, पारा गिर रहा है। लेकिन यहाँ पर लोग अभी भी ये कहीं ना कहीं शिकायत लगाए बैठे हैं कि रैन बसेरा क्यों नहीं है। गरीब लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और उसके बाद अपने परिवार का संचालन करते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन अगर आप किसी को कहीं से हटाने की बात करते हैं तो आपको उसके आगे की उनको कहाँ रखा जाए वो भी देखना चाहिए। मौसम की मार हर कोई सहता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन क्या इन लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी जहाँ पर रात को अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ ये लोग रुक सके? छोटे बच्चे हैं, बहुत दुख होता है, छोटे बच्चे हैं, जिस्म पर स्वेटर तक नहीं है, पाँव में जूते नहीं है, सॉक्स नहीं है, और इसी तरह से अपने माता पिता के साथ यहाँ पर, ये उम्मीद के साथ है कि हाल ही में यहाँ पर शायद प्रशासन जागेगा। अगर ये बलून बनाते हैं, 100-200 कमाते हैं, उसी में गुजारा करते हैं, लेकिन रहने के लिए इसी तरह से कभी एक पुल के नीचे, कभी दूसरे पुल के नीचे, कभी तीसरे पुल के नीचे। उम्मीद है और कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद इतने पैसे जुटा सके कि एक छोटी सी झोंपड़ी तक बना लें। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा करती हूं। नमस्कार।